नमस्कार। जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, इस वक्त हम जो है मंडल भासो के डीवा गांव में हैं और बाबागंज के दौरे पे हैं। बाबागंज की जनता क्या चाहती है? यहां पे चुनावी युद्ध चल रहा है और पांचवें चरण का चुनाव भी होने वाला है कल। कल 27 तारीख का, आज 26 तारीख है। तो हम जो है यस्सी बिरादरी में बैठे हैं, हमारे साथ में एक दादा है, उनसे भी बात करेंगे क्या माहौल है क्या नहीं है, किस पार्टी को वोट देंगे, किस विधायक को यहाँ से विधायक बनाएंगे जो प्रत्याशी हैं। क्या कहते हैं दादा, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल यहाँ तो अपने हिसाब से सब ठीक ही है जी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, जनसत्ता भी लड़ रही है, किसको वोट देंगे? हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। कब से दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? हम बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से देते चले आए हैं, तब भी जब से पार्टी बनी है। हाँ, हम अब पार्टी का काम है, जनता का काम है, जनता जी वो जिसको डील करे, और मैं अपनी तरफ से मैं बहुजन समाज पार्टी को डील करता हूँ। क्या काम अच्छा लगा जो बहुजन समाज पार्टी को एनी टाइम में जो है वोट देते हैं? बहुजन समाज पार्टी इसलिए हमको अच्छा लगा कि ये जो है हमारे हमेशा दुख सुख हमारे साथ चलती आई है। हाँ, इस वजह से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन सा काम अच्छा लगा बहुजन समाज पार्टी का जो आप वोट दे रहे हो? बहुजन समाज पार्टी का आज मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये बहुजन पार्टी की देन है जो आज हम बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की देन है जो आज हम चल रहे हैं। और मेरे साथ में वो घटना घटी हुई है कि मैं रास्ता चलना मुश्किल दुर्भार हो जाता था। मैं इतने बड़े मेरे घर में खाने का ठिकाना नहीं था, जब भी मेरे पास समझ लिया कि घटना कौन सी थी। घटना वो समझ लिया कि लगा दिया थे कि ये गुंडा है। गुंडा है? हाँ। कौन लगाया था? ये लगाए थे यहीं के हमारे गांव के ठाकुर लोग। अच्छा, यहाँ पे राजा भैया का दबदबा रहता है, क्या कहें राजा भैया को लगा? अब देखिए ऐसा है, राजा भैया जो है, राजा भैया नहीं, राजा भैया के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं, राजा भैया में कमी नहीं है। हाँ, तो राजा भैया के जो पालतू लोग हैं, हाँ वो करते हैं। बसपा का काम यही तो अच्छा हमको जो लगा कि जो हमारे हर दुख सुख में साथ दिया है बसपा ने, नहीं तो हमारी वो दशा थी कि आज हम चल नहीं पाते थे। मायावती कभी देखा है आपने? मायावती को देखा है, मायावती के, लेकिन आज 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 हमें दुख भी हो रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ऐसे काम किए जो आज पार्टी इस कगार पे पहुंच गई है। आपके यहाँ तो जो है प्रधान के ऊपर और जो BDC के ऊपर मतलब दबदबा बनाए रहते हैं राजा भैया, और हाँ, कैसे बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, डर नहीं लगता? देखिए ऐसा है, मैं बता दिया कि मैं अपना उद्देश्य बता दिया और पूरे जनता का वही है, मैं साथ नहीं दे पाऊँगा ना मैं किसी का मन हो पाऊँगा, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको। इधर से प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के सुशील गौतम जी आए थे, कभी आए थे इधर दौरा करने? हाँ, इधर कल शाम को इधर से गुजरे हैं काफिला, कल शाम के इधर कल उनका रोड शो भी था। हाँ, कल रोड शो था, कल हमको मिले। हाँ, राजा भैया के लिए क्या कहेंगे जिस तरह से दबदबा रहता है उनका? अब राजा भैया का दबदबा है भाई, ऐसा है जनता यही बात कह दी है कि जनता जिसको चाहेगी उसको देगी। यहाँ से बहुजन मुक्ति पार्टी वाले भी जो है चुनाव लड़ते हैं। हाँ? और लास्ट में जो है सपा को समर्थन कर देते हैं। अब इसको तो आगे का वो लोग जाने, हम छोटे आदमी हैं, छोटी बात करना जानते हैं। ये क्या है? नाम है दोस्तों? हमारा नाम बद्री प्रसाद गौतम है। अच्छा, जो प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, उनके कार्यकालों से कितना खुश हैं महंगाई बेरोजगारी को लेकर? महंगाई बेरोजगारी अब देखने तो आज हम देख रहे हैं, राशन तो बढ़ रहा है, लेकिन राशन बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि 5 किलो में 3 ही किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है तो 3 किलो मिलता है। अब हमारे पास समझ लियो कि 6 यूनिट है, 6 आदमी घर के गार्जियन थे, 6 में जिसमें कि 4 समझ लिया कि 4 को मिल रहा है, 2 काट दिए गए। तो क्या पूरा जो घर का वोट है बहुजन समाज पार्टी को जाएगा? भाई हम अपने बता तो दिए हम कि हमारा बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, अगले को हम नहीं बता सकते। आपके पूरे घर के, आप तो गार्जियन? हाँ, हम गार्जियन हैं, मेरे घर का जाएगा पूरा। हाँ, हमारे साथ में जो है दादा थे, गौतम बिरादरी से बिलोंग करते हैं, वो कह रहे कि हम हरदम जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हुए आए हैं और अब की बार भी जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और सुशील गौतम जी को विधायक बनाएंगे, क्या कहेंगे भैया आप? सुशील गौतम एक अच्छे और ईमानदार, इनका सोच सारा कुछ ये बढ़िया मुझे लग रहा है सुशील गौतम। यहाँ पे जो है काफ़ी युवा है जनसत्ता की तरफ जो है प्रचार भी कर रहे हैं। ओ, प्रचार करने दो जनसत्ता के, करने को क्या,
सपा में क्या माहौल है? सपा का सपा का यहाँ कुछ भी नहीं है। सपा वाले भी चिल्लाते हैं बहुत। अरे चिल्लाने दो, चिल्लाने से क्या होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है सपा का। सपा का कोई यहाँ पे है, कोई नहीं दिखता। तो पूरा जो है गौतम बिरादरी जो है किसको वोट करेगा? सुशील भैया को। सुशील को। तो यहाँ पे जो है मंडल भासो में डीवा गांव में थे, दादा भी थे और भी लोग थे। यहाँ का जो गौतम बिरादरी है पूरा यसी समाज जो है सुशील भैया को विधायक बनाने के लिए ठान लिया है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन सुप्रीमो बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाएगा।